देशभर में लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। वहीं रेड जोन में शामिल इंदौर को लॉकडाउन 3.0 में किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में अभी किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। राशन, सब्जी, मेडिकल सेवाओं में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वह जारी रहेंगी। और इसी को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह से खास बातचीत की हमारी संवाददाता हिमांशा मेहता ने। देश में लॉकडाउन तीसरे चरण पे पहुंच गया है। वहीं 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इंदौर शहर अभी भी रेड जोन में शामिल है। क्या कुछ रियायतें तीसरे चरण में दी जा सकती हैं, इसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, तीसरे चरण में लॉकडाउन पहुँच गया है, क्या कुछ रियायतें इंदौर शहर को दी जा सकती हैं? अभी जो आज हमारा कल से तीसरा चरण प्रारंभ होगा लॉकडाउन का, जो केंद्र सरकार ने 17 मई तक के लिए बोला है, और यहाँ पर जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी 1 तारीख को, उसमें सभी परिस्थितियाँ, हम लोगों ने शहर में क्या सुधार आए हैं और सुधार के क्या ट्रेंड्स हैं, किस प्रकार से हम लोग घर घर सर्वे करा रहे हैं, किस प्रकार से येलो अस्पताल जो कोविड के ट्रीटमेंट का पेशेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ संख्या कम हो रही है मरीजों की, किस प्रकार से पहले हम 100 जब टेस्टिंग कराते थे तो उसमें 40 से 45 पॉजिटिव आते थे, वो प्रतिशत कम हो के कहीं 10-12% या 10% से कम भी आने लग गया है। फिर भी सभी का मत ये था, उसमें सभी दलों के उसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि थे चुने हुए यहाँ के, और सभी का मत ये था, हमने भी सजेस्ट किया था कि अभी यही सख्ती हमने कंटिन्यू करनी चाहिए शहर में अगर हमको कोरोना से बाहर निकालना है शहर को। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र थे हमारे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी प्रभाव नहीं गया है, तो धीरे धीरे पिकअप करना शुरू किया था ग्रामीण क्षेत्र की एक्टिविटीज़ को। उसके तहत लगभग हम लोगों ने मनरेगा के सभी काम प्रारंभ कर दिए थे पिछले 10-15 दिनों में, जो रोड के निर्माण के कार्य हैं उसमें करें ताकि लेबर उसमें एम्प्लॉय हो सके। लगभग 250 इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों ने परमिशन दे दी है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो लेबर वहीं रख के काम करेगी, और वहाँ स्वास्थ्य परीक्षण भी कराने की जिम्मेदारी दी गई है। और इस जितने भी अन्य दुकानें हैं, उपार्जन है, मंडियाँ हैं, मंडियाँ भी हम लोग, सावेर की मंडी कल खुल जाएगी, देपालपुर की मंडी भी कल परसों में खुल रही है, महू की भी सेलेक्टेड संभल के हम लोग महू की मंडी भी खोलेंगे अगले 3-4 दिनों में। तो लगभग ये प्रयास है हम लोगों का कि ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि प्रभाव नहीं है, इसके बाद धीरे धीरे नॉर्मलसी पूरी तरह से आ जाए। शहर में अभी अत्यावश्यक सेवाओं में जितनी भी दवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सब चालू हैं, आयुर्वेदिक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी चालू हैं, और जितनी भी अन्य खाद्य की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आटा हो गया, दाल हो गया, ये सभी जितनी तरह की, वो भी हमने चालू कर रखी हैं सभी, क्योंकि सप्लाई यहाँ से पूरे प्रदेश में जाता है, मालवा पूरे में जाता है। आने वाले समय में सख्ती वैसी ही रहेगी, अभी ऐसे कोई रियायत देने की कोई बात नहीं कि लोग घर से निकल सकेंगे, वही कर्फ्यू लागू रहेगा, और सख्ती हम लोगों को रखनी पड़ेगी। अभी शहर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी भी है कि इस्टेब्लिश हो जाए पूरी तरह से, और कुछ कठिनों विशेष में, जैसे मान लीजिए कि कुछ हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे बैठक हुई थी हम लोगों की, उसमें कुछ का ऑर्डर तैयार पड़ा हुआ है, प्रदेश के बाहर उनको ऑर्डर की डिलीवरी करनी है, ऐसे लोग अनुमति दे रहे हैं जितने भी इंडस्ट्रीज हैं शहर के अंदर। कुछ जो ट्रक्स खड़े हुए हैं आउटस्कर्ट्स में, उनको अपना सामान डिलीवर करना है यहाँ पर गोडाउंस में, उसको परमिशन दे रहे हैं हम लोग, आज परमिशन हो भी गई है उनकी। और एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी काफ़ी संख्या में इंडस्ट्रीज़ हैं शहर के अंदर, उसकी भी वर्किंग कर रहे हैं, कैसे वो लोग वहीं पे लेबर को रख करके वो इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं। लेबर को आने जाने का मूवमेंट नहीं रहेगा, 1 टाइम परमिशन देंगे लेबर के लाने की। तो धीरे धीरे इकोनॉमी कैसे पिकअप कर सकती है, कुछ मंडी व्यापारियों को समस्या थी, उनका सामान खराब हो रहा था, तो उसकी परमिशन इस बीच में दी है हम लोगों ने। कुछ सियागंज के हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको कुछ समस्याएं हैं, उसकी वर्किंग कुछ को दे दी है परमिशन, कुछ की आगे वर्किंग चल रही है। तो ट्रेडिंग को धीरे धीरे कैसे हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, पर अभी हमको 17 मई तक तो कम से कम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, पहली प्राथमिकता हम लोगों की कोरोना रहेगी, कोरोना संक्रमण को दूर करना, और साथ साथ कैसे जैसे जैसे शहर की परिस्थितियाँ सुधर रही हैं, आज अगर मैं आकलन करूँ तो पहले सप्ताह के अप्रैल से 70 से 80% सुधार आया है शहर में, पर थोड़ी भी लापरवाही की वो लिबरल हुए हैं एकदम से स्थिति वापस जा सकती है। तो जैसे सुधार आ रहा है, उस सुधार के तारतम्य में कितनी चीज़ें हम पिकअप कर सकते हैं पीछे से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उतना ही हम लोग परमिट करते हुए जाएंगे। जो वक्त वक्त पे मीटिंग लेके चर्चा करके हम लोग हर दिन शहर की स्थिति में सुधार आ रहा है, तो 2-4 दिन में आकलन करते हुए किस प्रकार से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करानी है हम लोगों को, कैसे पिकअप करेंगे उसको हम विचार करते जाएंगे। इसमें जनप्रतिनिधि भी बैठते हैं, एसोसिएशन के लोग भी आते हैं, इंडस्ट्रीज को भी चर्चा करते हैं, और एक आपसी सहमति से निर्णय हम लोग ले रहे हैं इसमें। सर, क्या उम्मीद जताई जा सकती है 17 मई तक हम ग्रीन जोन में इंदौर को शामिल कर सकते हैं? 17 मई तक तो एकदम से नहीं बोल सकता हूँ मैं, पर यह है कि 17 मई तक अगर यही सख्त लॉकडाउन चला, इसका देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो हम लोग सबसे बड़ा हम लोगों के लिए टायरिंग जॉब था 15-20 अप्रैल तक, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, एम्बुलेंस की सुविधा हो गई, ये सब तो एक जब
फील्ड में स्थिति बिगड़ती है, संक्रमण ज्यादा फैलता है, उसका आउटकम रहता है। सबसे महत्वपूर्ण है हमको फील्ड को कंट्रोल करना है। जो सर्वे टीम्स लगी हैं हर घर में हमारी, लगभग वो 28 लाख सर्वे कर चुकी हैं लोगों का, तो ग्राउंड लेवल से ही हम लोग पिकअप कर रहे हैं लोगों को। हल्का सा भी लक्षण पाए जाने पर, लगता है हम लोगों की लक्षण सर्दी खांसी बुखार में, तो 100 में से 95 लोग नॉन कोविड के ही रहते हैं, उसमें से 2-4 निकलते हैं जिनके सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं कि कोविड टाइप के सिम्टम्स होंगे, घर से पिकअप करते हैं, घर को हम लोग होम क्वारंटाइन करते हैं ताकि फर्दर उन घर में कुछ संक्रमण आसपास ना फैले। जितनी बारीकी से हम उतर रहे हैं उतनी जल्दी शहर में सुधार भी आ रहा है। और 17 मई तक एकदम से नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमको एक लंबे समय तक कम से कम 10 से 14 दिन तक हमको ये देखना पड़ेगा टेस्टिंग कर करके कि टेस्टिंग के रिजल्ट्स नेगेटिव आते जाएं, तो मानेंगे कि पूरी तरह से शहर निकल गया, ग्रीन जोन में आ गया है। तो ग्रीन जोन का पैरामीटर ये है कि 14 दिन है या 21 दिन है जिसमें कि लगातार टेस्टिंग करने पर जब कोई पॉजिटिव नहीं पाया जाता तो ग्रीन जोन में आता है, तो वो उस वक्त आने में जून तक का वक्त लगेगा उसमें। बिल्कुल, 17 मई तक जो है लॉकडाउन की समय अवधि बढ़ाई गई है। इंदौर शहर अभी रेड जोन में शामिल है, लेकिन किसी भी प्रकार की जो रियायत है वो इंदौर शहर में नहीं है। पूरी तरीके से सख्त जो है वो लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, जिस तरीके से जो है आगे इंदौर को ग्रीन जोन में शामिल किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सादिक अब्बासी के साथ हिमांशा मेहता, IND24 इंदौर।